राजगढ़ जिले में बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू तोड़कर दुकानें खोलने वाले दुकानदारों पर जिले के बोड़ा नगर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संक्रमण के फैलाव की गंभीर स्थिति के बीच मंगलवार दोपहर 1 बजे को बोड़ा कस्बे के बस स्टैंड में ज्यादातर दुकानें आगे से सील होने के बावजूद कुछ किराना दुकानदार पीछे के शटर से किराना बेच रहे थे, जिसकी शिकायत व्यापारी द्वारा नायब तहसीलदार को दी थी। इसकी सूचना पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कार्रवाई के लिए तुरंत SDM को निर्देशित किया तो नायब तहसीलदार किरण धाकड़ और दरोगा प्रताप सिंह राजपूत व थाना प्रभारी अर्जुन सिंह के साथ पुलिस फोर्स बस स्टैंड पहुंची और नरसिंह रोड बस स्टैंड पर स्थित किराने की दुकानें आग से सील होने के बावजूद गोपाल गुप्ता किराना स्टोर द्वारा बिना किसी अनुमति से दुकान खोलकर व्यापार कर रहा था, जिसकी शिकायत पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका और जब तक कोरोना कर्फ्यू नहीं खुले तब तक के लिए दुकान सील हो गई। सामान्यतः ये देखने में आ रहा था कि जो किराना दुकानें हैं एवं अन्य दुकानें हैं, जैसे कपड़े की दुकान हुई या हार्डवेयर की दुकानें हुई, उनके द्वारा कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन किया जा रहा था एवं शटर खोल के भी व्यापार किया जा रहा था। जो दुकान सील की गई थी 14 दिनों के लिए, उनका उल्लंघन करके जो 3-4 दुकानें हैं उनके द्वारा सील तोड़कर अपनी शटर खोली गई और व्यापार किया गया, उसी को ध्यान में रखते हुए आज कार्रवाई की गई है। गोपाल किराना स्टोर है जिसकी काफी शिकायतें आ रही थी, उनके खिलाफ आज 10,000 रुपए का चालान किया गया है एवं आगामी दिनांक तक तो दुकान सील रहेगी। उसके साथ ही अन्य दुकानें हैं 4 दुकानें जिनमें सामूहिक रूप से 2,500 का जुर्माना किया गया है एवं यह भी चेतावनी दी गई कि अगर इनके द्वारा भविष्य में अगर उल्लंघन किया जाता है कोविड गाइडलाइंस का तो इनके खिलाफ 188 की कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।